जो चिप्स वगैरह लेके आ रहे हैं कुछ भी खाने के लिए, तो उसके रैपर्स वगैरह फेंक रहा है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? और मना करने के बावजूद वो वैसा रिपीट कर रहा है। हेलो। सबसे पहले तो स्ट्रिक्टली क्लास में मना होगा कि आप चिप्स वगैरह जो फास्ट फूड है कोई बच्चा नहीं लाएगा। वो एक वार्निंग, एक होता है ना समझाने जैसा कि यहाँ क्लास में ये चीजें नहीं खाई जाएंगी। इसके बाद भी अगर वो ला रहा है तो मुझे एक बार उसके माता पिता से बात करनी पड़ेगी कि आप बच्चे को क्लास में ये चीजें देकर ना भेजें, ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और फिर भी अगर वो नहीं मान रहा तो फिर भी एक बच्चे उस बच्चे को हम फिर दोबारा समझाएंगे कि ये चीजें बेटा आपके मतलब क्लास तो गंदा हो ही रहा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक दो बार तीन बार में बच्चा मान जाएगा। प्रदीप सर, यहाँ पे मैम बच्चों को प्रदीप सब सर, साफ सफाई का भी महत्व बताया जाएगा ना, ताकि वो अलग से कागज वगैरह भी ना फेंके क्लास में, क्लास में। मैं मैम क्लास जी टाइम भी इस तरह से उसमें नहीं ये करना भी चाहिए, ऐड कर करवा रही सकते हैं। हैं कि अगर वो उसमें सर मेरा क्वेश्चन ऐड आगे कर का, सकते हैं कि यस यस सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बच्चे को अगर टेबल्स याद करवा रहे हैं, वो रिटन में बहुत अच्छा करे क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, वो अच्छे से कैलकुलेशन करके उस टेबल को बना सकता है, लेकिन जब वो बोलने पर आता है तो वो उस फ्लुएंसी को नहीं बना पाता क्योंकि उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वो कैलकुलेशन करके या मल्टीप्लाई करके उस टेबल को नहीं बोल पा रहा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? उसे तो सबसे पहले जैसे मल्टीप्लीकेशन टेबल होती है जिसको एम टेबल कहते हैं, या तो वो बना के लाने बोलेंगे। बच्चे में तो वही करना होता है देखो वो बहुत मल्टीप्लीकेशन अच्छे कर टेबल रहा है, को, और नहीं फिर उसे वो बहुत रिवाइज। कर रिटर्न में जो कर रहा है, रिटर्न में हाँ जो तो कर रहा है उनका वो रिव्यू अच्छा कर रहा है। मैम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि वो बोलने की जितनी पूछने प्रैक्टिस करेगा का उसको ड्रिलिंग मेथड से याद करवाया जाएगा। उसको पता है टेबल बनती कैसे है पर उसको याद नहीं हो रहा है, इसकी वो प्रैक्टिस करेगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेगा वो उसको आ जाएगी अच्छा धीरे याद धीरे। होगा, नहीं क्लास में भी पढ़ाना बुलवाएंगे और घर पे भी जाके बोलने के लिए बोलेंगे कि घर पे भी बोल बोल के याद मैम मेरा करो। एक क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कल मेरे सामने आया था कि जैसे कोई बच्चा है क्लास में, मैडम उनको जैसे कि होता क्या है ना कि अब हम लोगों में थोड़ा गैपिंग है टीचर और पेरेंट्स में, तो उन्होंने एक उसको मैथ का चैप्टर दिया जो क्राफ्ट से जुड़ा हुआ था कि इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करो कि इसके सारे जीरो छिप जाए, लेकिन उनकी माँ को लग रहा था कि क्या मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं या यही तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते, ये मेरे सामने मेरी फ्रेंड ने कहा। तो मैंने उससे कहा कि आजकल जो नए माहौल में ऐसा पाया जा रहा है, लेकिन एज ए टीचर आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी तो मैंने उसको कन्विंस कर लिया, रश्मि लेकिन आप ऐसे माता ऑलरेडी पिता पढ़ा को रहे उनको हैं। लग रहा है कि हमारे बच्चे का टाइम हाँ वेस्ट हो रहा है, सर उनको ठीक से आप पढ़ाया सॉल्व नहीं जा रहा है, स्कूल कीजिए। में अच्छे से मतलब टीचर्स लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। मैम मेरे को लगता है आज के टाइम में जैसे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर हम पेरेंट्स और टीचर मिलके बनाएं और उसमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करें कि देखो ये हमने असाइनमेंट दिया है मैम और ये आगे बच्चों के लिए ही यूजफुल है, तो उसके भी यहाँ पे एक टीचर उनको वो चीज़ समझा सकता है, मतलब बहुत ये अच्छा मीडियम है, एक सोशल मीडियम जो है हमारा, जिससे हम डायरेक्ट पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे से जैसे इंटरेक्ट कर आजकल के कुछ सकते हैं। पेरेंट्स में भी ऐसे हैं ना, उनको लगता है कि बच्चा दिन भर पढ़ेगा तभी पढ़ा कहा जाएगा, मतलब दिन भर किताब लेके बैठा रहे उसी में मैम बिजी रहे ये तभी हमें मानेंगे कि हाँ समझाना स्कूल वाले पड़ेगा पढ़ा रहे कि हैं। आजकल पूरा डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ऐसे पढ़ाई पढ़ाई रट्टू तोता बनाने से बच्चे का काम नहीं चलेगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है मैम हर फील्ड में, उसको खेल में भी उसको अच्छा आगे होना चाहिए मैम, और उसको पूरी तरह से तभी हम उसका बोलेंगे कि शारीरिक और मानसिक विकास उसका तभी होगा जब वो हर चीज को सीखेगा हर चीज को करेगा, सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलता आज के टाइम में, अगर आज की दुनिया में उसको सर्वाइव करना है तो हर चीज में उसको आगे रहना पड़ेगा मैम, सीखनी पड़ेगी सब चीजें। इन्हीं चीजों के लिए तो हम मैम क्लास में टीचिंग रखते हैं, क्योंकि हम शालिनी कम इसीलिए टीचर फ्रंट का ऑन योर रोल कैमरा एंड कौशिक यू ऑल्सो प्ले पार्टिसिपेट। कर आप रहे हैं। सचिन सर अपने मेरा देखने के लिए एक इन चीजों क्वेश्चन पूछिए। यस यस पूछिए शालिनी अपना है, कैमरा ऑन कीजिए। इट इज ओके फॉर अ क्लासरूम टू बी मेक नॉइसी, क्या एक क्लासरूम के लिए नॉइसी होना कितना सही और कितना गलत है? ट्राई सोनी विजय मैडम आप आंसर दीजिए, प्रतिभा आगे से लगा ट्राई रहा करो। नॉइसी होना कितना सही और कितना गलत है? जी मैं बताना चाहती हूँ, अब अगर हम अगर पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों की क्लासेज है, अच्छा बता लीजिए। हाँ जी बताइए अनम्यूट कीजिए। ओके, जैसे कि अगर डिस्कशन चल रहा है बच्चों के साथ तो नॉइस इतना रखना चाहिए कि बगल वाली क्लास डिस्टर्ब ना हो, आउट ऑफ क्लास नहीं रहना चाहिए, इतना ही रहे कि पीछे वाले बच्चे को भी सुनाई दे और टीचर को भी सुनाई दे।
आउट ऑफ क्लास नहीं जाए, डिस्कशन के टाइम पे हम इसको रख सकते हैं। लर्निंग जब हम सुन रहे हैं तो उतनी ही वॉल्यूम हो जितना टीचर सुन सके, जब हम अगर आप पढ़ा रहे हैं तो क्लास में एंटर उतना कर रही हो उसी टाइम ही। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तब क्या करेंगे आप? जैसे सॉरी आपने मैम, क्लास में एंटर, जब भी आपने क्लास में एंटर किया, बच्चे बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी भी नहीं सुन रहे, आपकी वॉइस इतनी धीरे है कि बच्चे की जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे उनको, कैसे चुप कराएंगे, कैसे अपने आप पर अट्रैक्ट करेंगे उनको? पहले तो मैं उनको ना कुछ ऐसा एक टाइटल देके रखूंगी, मेरे बाद उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ हैप्पी लर्निंग, उसके बाद बच्चे बोलेंगे कि कीप लर्निंग, इस तरह से मैं टाइटल बना के रखूंगी तो बच्चे ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर अगर क्लास में बोलते ना, जैसे टीचर आते हैं गुड मॉर्निंग टीम मैम, जितनी हाई वॉल्यूम के साथ टीचर बोलता है ना गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो बच्चे भी उतनी हाई वॉल्यूम के साथ बोलते हैं। जब हाई वॉल्यूम होता है तो सारे बच्चे होते हैं। आपने जो वर्ड टीचर को बोला, सबसे आई कांटेक्ट आपने जो वर्ड करना, बोला, जो आप कह रहे हो मैं ये टाइटल रखूंगी, ये वर्ड भी बच्चों ने नहीं सुना, इतना ज्यादा शोर है, तब कैसे करोगे आप? वही बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मैं बताऊं, आगे मैम, हाँ जी, से हाँ जी, सारे हाँ जी, बच्चों से आई कांटेक्ट करूंगी। मैं ट्राई करूँ? बिल्कुल मतलब मैं मैम, ट्राई की, अगर अगर बच्चे में, जैसे मैं क्लास में गई हूँ, बहुत शोर कर रहे हैं, मेरी बात को भी नहीं सुन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं ब्लैक बोर्ड पर जाऊंगी और बिना कुछ किए वहां कुछ एक्टिविटी शुरू करूंगी। धीरे धीरे बच्चों को लगेगा कि मैम बोर्ड पे कर क्या रही है, कुछ भी, जैसे कुछ सीखने के लिए। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद सारे बच्चे मेरे मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगेंगे, मैम आज कर क्या रही है यहाँ पर। यह मेरे एंड रोज मतलब हर दिन का ऐसा हो सकता है कि द मैं क्लास बेस्ट में इज टू कुछ मेक सम नया करने की डायग्राम कोशिश लाइक की। दिस, हाँ सर, थोड़ा सा ड्रिल हो रहा है पीछे ना, तो एंड द बगल में बेस्ट अभी मैं इज मैनुअल भी कर विजय, पाऊंगी। एंड द बेस्ट इज कुछ हाँ डायग्रामेटिकली सर, अगर आप कुछ यूज करें, कुछ बनाना, तो वो बहुत इंप्रेसिव हाँ होगा। कुछ भी, जैसे मैं रोज का मेरा रहेगा कि मैम आ जाएंगी तो कुछ नया बताएंगी, तो मेरे वेरी घुसते ही नाइस, बच्चे एकदम चुप हो जाएंगे कि लग रहा है मैम कुछ नया करने वाली है। कोशिश, शालिनी मैडम, एक क्वेश्चन है सर एक गुड कौशिक टीचर की सर, क्वालिटी बताइए। व्हाट इज लैन सर, लोकल एरिया कोशिश नेटवर्क? सर, कौशिक सर, व्हाट व्हाट इज इज लैन, लैन, एक बार लोकल एरिया नेटवर्क सर? व्हाट इज लैन, लोकल एरिया लैन, नेटवर्क, हाँ सर, ये एक नेटवर्क का टाइप है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप है, जिसमें आज लोकल लोकल मतलब लोकल कुछ ग्रुप के अंदर नेटवर्क जोड़ा जाता है। इसमें ये ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं होता, ये जस्ट मान सकते हैं कि कुछ कोई बिजनेस हो या अपना कोई कॉलेज हो, इसके अंदर छोटा एरिया होता है और उनके बीच में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसमें, ओके सर, और सर ये ये ओरिजिनल एक से 1 किलोमीटर से जुड़ दो होता है। किलोमीटर के रेंज में होता है सर, और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आप एक लाइन से कनेक्ट कर सकते हो सर, सबको ये होता है सर लोकल एरिया रश्मि नेटवर्क। मैम गुड टीचर की क्वालिटी बताइए प्लीज। मैम गुड मैं बताती टीचर, हूँ, हम बताइए, गुड वैसे मैं टीचर की मेरा जो क्वालिटी होती है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उनको एक आत्मविश्वासी होना चाहिए, उसके बाद उन्हें अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, और उनका व्यक्तित्व जो होता है ना, एक जैसे कि टीचर का व्यक्तित्व, एक साफ सुथरा अच्छे ड्रेसअप में आप एक बिल्ड मेंटेन होकर आप स्कूल में जा रहे हैं, उसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। और सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो थोड़ा सा विनोद प्रिय, उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, और आप क्लास में पढ़ाएं तो बच्चे आपसे बोर ना हो। टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए, अगर 40 मिनट का पीरियड है तो बच्चे को ऐसा लगे कि टीचर थोड़ी देर और रहते तो अच्छा रहता, वो आपकी क्लास को एंजॉय करे ना कि वो टाइम पास करे। तो टीचर को थोड़ा सा मतलब हिंदी में शब्द यूज कर विनोद प्रिय भी होना चाहिए, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, उनको समय का पाबंद होना चाहिए, और जैसे होता है ना कि उनका अपना एक व्यक्तित्व जो सही सच्चा होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो बच्चे होते हैं वो हमको देख के सीखते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व हमारे बातों में अंतर है, तो ये हमारे छात्रों पे गलत असर डालता है, फिर वो मेरा सम्मान नहीं करेंगे एक टीचर के तौर पर। पूजा मैम, मैम एक मैं पॉइंट, क्या टीचर मैम क्यों एक बनना पॉइंट चाहती है, हूँ? हाँ पूजा, देर इज अ एक क्वेश्चन मिनट फॉर मैम, यू, व्हाई मैम यू ऑप्टेड टू बी अ मैथ्स टीचर? सर एक बार पहले हाँ मुझे सर, ये क्वेश्चन क्लियर करने दीजिए। उसमें एक पॉइंट है, साइकोलॉजी ऑफ हाँ, स्टूडेंट्स चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, होनी हाँ चाहिए होनी मैम। चाहिए। इसमें हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी 6 है, एक क्लास 6 है और 1 क्लास 10 है, वहां पे कैसे हम डिफर करेंगे इन इन स्टूडेंट की ये साइकोलॉजी है और इस स्टूडेंट की ये साइकोलॉजी है।
मैम मेरे ख्याल से थोड़ा पढ़ाने से, इंटरेक्ट करने से हमें पता चल जाता है बच्चों से, बातचीत करने से, और बच्चों का थोड़े हम पढ़ाएंगे तो उससे हमें बताना है ना उसकी साइकोलॉजी में क्या अंतर है, अंतर बताना है आपको। ऐड करेंगे आप इस आंसर में सोनी मैम? इसमें तो बच्चे की एक्टिविटी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर ये साइकोलॉजी की कमी है या ये चीज है उसकी, बस हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा डीपली उस बच्चे को, तो हम उसे पता कर लेंगे कि इसकी ये साइकोलॉजी यहाँ तक है। जैसे कि हम नॉर्मल भी, हम नॉर्मल जाते हैं तो उसमें भी हम लोग देख लेते हैं हर पर्सन को कि ये इस तरह का पर्सन होगा, इसकी ये क्वालिटी होगी। हम वहाँ पे उसको एज अ पर्सन नहीं मैम, एज अ स्टूडेंट, एज अ हम खुद एक टीचर कैसे करेगा ना स्टूडेंट की साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग है ये। मैम बता रही हूँ मैं, आप ये पूछ रही है कि जीन पियाजेट के अनुसार कौन से स्टेज में बच्चा है ये हम कैसे जानेंगे, है ना? तो हम उसकी साइकोलॉजी के अनुसार कैसे पढ़ाएंगे? जीन पियाजेट ने चार स्टेज दिया था, जैसे 6 से 12 जो स्टेज आता है वो लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में आ जाएगा। तो जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें क्या करते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जिसमें बच्चा अगर कोई एनालिसिस करता है, कोई विचार बनाता है, तो चीजें जब तक उसके सामने रहेंगी तो वो उसके बारे में कर लेता है। लेकिन जो लास्ट का है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या होता है बच्चे हाइपोथेसिस बनाते हैं। छोटे बच्चों को हम इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरह का रीजनिंग होता है ना, आगमन विधि और निगमन विधि। तो छोटे बच्चों को हम आगमन विधि द्वारा पढ़ाते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर समझाते हैं, जबकि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने से संकल्पना करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एज के अकॉर्डिंग हम बच्चों के साथ वो साइकोलॉजी यूज कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि बच्चा छोटा है और हम उसे बहुत बड़े हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। ये हो सकता है, यस मैम ये हो सकता है, क्योंकि हम वही मेथड उस बच्चे के लिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो अलग स्टेज में जा चुका है। जैसे कि एक, जैसे चार स्टेज में पहला था कि सेंसरी मोटर स्टेज ना, क्या है संवेदिक गामक अवस्था, जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों द्वारा कोई चीज छू के वो उसका ज्ञान बनाता है, अपना नॉलेज कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है कि ये क्या है। दूसरा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब वो लॉजिक स्टेज से पीछे होता है, लॉजिक नहीं लगा पाता। तीसरे में वो लॉजिक लगा लेता है, चौथे में वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। तो इस हिसाब से बच्चों का एज के अनुसार उनको क्लासिफाइड किया गया है। सोनी मैम मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप किसी स्टूडेंट का असाइनमेंट देते हैं और आपकी जो सबमिशन डेट है असाइनमेंट की वो भी ज्यादा नहीं, मतलब दूर नहीं है, वो बच्चे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप बच्चे को ज्यादा टाइम देंगे असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए और ज्यादा टाइम देंगे जो सबमिशन डेट है उसके अलावा? या मैम ये डिपेंड करता है कि अगर, हाँ ये तो ये इस पे डिपेंड करता है कि क्या सच में असाइनमेंट डेट खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा स्कूल अब थोड़ा सा मतलब ये रियायत देते हैं कि है। नहीं, जिसने सबमिशन डेट है वो इसी टाइम आके बोलता है कि मैडम मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं। मैम एक दो दिन उसको समय दे सकते, या हो सकता है उसकी हेल्थ खराब थी या घर में कोई रीजन था, पहले रीजन पता करेंगे फिर उसको उसकी नीड के हिसाब से टाइम देंगे, वो एक दिन में कर सकता है या दो दिन के अंदर सबमिट करवा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो यही कहती है कि बच्चा जैसा चाह रहा है वैसा कीजिए, नहीं इतना भी नहीं छोड़ देंगे क्योंकि बच्चे फिर जैसा चाहेंगे वो करेंगे ही नहीं जल्दी। नहीं मैम बहुत सही करेंगे, नहीं करवाना चाहेगा मैम, उनको ही कर देना तो पड़ेगा ही थोड़ा कि तुम्हारे अगर नहीं टाइम पर दोगे तो मार्क्स कम होंगे, कुछ ना कुछ तो उनको कंसीडर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किरण इन लाइब्रेरी को क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लाइब्रेरियन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सर? उसका स्किल पावर मजबूत होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंटिन्यू सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए उसको। आप ऐड करिए कुछ क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। यस लाइब्रेरी को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आईटी स्किल्स के नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल। लाइब्रेरियन को लीगल लाइब्रेरी की लीगल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कॉपीराइट्स का अधिकार। लाइब्रेरियन को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए।
गुड सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेटावर्स क्या होता है, आप में से किसी को भी आइडिया हो तो? कौशिक मेटा कॉग्निशन मेटावर्स, मेटावर्स अभी बहुत चल रहा है आजकल। कौशिक ट्राई करो, मेटा प्रोडक्ट है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये मेटावर्स एक नया प्रकार की दुनिया है जिसमें हम मान सकते हैं ये कृत्रिम दुनिया है, जिसमें हम मतलब घर पर बैठे हुए कहीं दूसरी जगह जाकर अपने दोस्तों से मिल रहे हैं या कहीं पर कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये अभी हाल की नई तकनीकी और फेसबुक फेसबुक इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम अपने दोस्तों दोस्तों से कई दूसरी दुनिया में मतलब दूसरी काल्पनिक दुनिया में मिल सकते हैं। इसके लिए अपन को वीआर चाहिए, वीआर और कुछ छोटे मोटे सेंसर वाले उपकरण की जरूरत पड़ेगी इसमें। सर मैंने सुना था कि फेसबुक का नाम भी मेटा रख दिया गया है। हाँ जी, क्योंकि आगे आने वाले समय में वो इस पर ही काम कर रहे हैं, मेटावर्स पर ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम भी मेटा ही रख दिया। जी सर, सर मतलब खुद का एक तरह से आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो इसमें। हाँ, और आपके जैसा एक अवतार क्रिएट होगा और वही आपके जैसे अगर आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो तो एक तरह से एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट होगा जहाँ पे आपको एक ऐसे आप देख सकते हो कि आपके दोस्त भी उसमें मिल रहे हैं, तो एक तरह से एक वर्ल्ड क्रिएट होगा, अलग से दुनिया क्रिएट हो जाएगी इसमें मेटावर्स में, और आगे इसका बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाके। मुझे ये बताइए कि पैनल में क्या हमसे आरटीई वगैरह सुना जाएगा, एनईपी 22 के बारे में कुछ पूछा जा सकता है? एनईपी जानकारी रखिए इससे, एकदम पूछा जा सकता है, मतलब वन लाइन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ आप जानकारी एनसीएफ का जो अभी 2023 का जो करिकुलम आया था वो 6 अप्रैल को आया था, कंफर्म 6 अप्रैल है या कुछ और है डेट? हैकिंग के बारे में बताइए कुछ, स्पेशली ब्लैक अटैकिंग। सर हैकिंग और बेसिकली दूसरी हैकिंग जो होती है उसमें आप किसी के, हाँ सर, उसमें आप किसी के भी उसमें उसके जाकर उसके सॉफ्टवेयर को आप उसके पूरा डेटा आप उससे छीन मतलब ले सकते हैं सर एक तरह से, जैसे आपका पीसी है मैं आप उससे सारा डेटा आपका एक्सट्रैक्ट कर लूँ, तो वो सर हैकिंग होती है सर। और एथिकल हैकिंग जो होती है सर वो अच्छे रीजंस की वजह से होती है सर, जिसमें आप किसी भी एक पॉजिटिव वे में आपको जरूरत है जहाँ पे हैक करने के लिए वहां पे आप एथिकल हैकिंग करते हैं। तो हैकिंग में सर बहुत सारे होता है आजकल, जैसे स्पाईवेयर है, आपने पेगासस का नाम सुना होगा, तो पेगासस अभी बहुत ज्यादा चल रहा है सर स्पाईवेयर। उसमें क्या होता है कि एक स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है वो, और वो आपके जो भी आप चीजें आप सर्च कर रहे हो ढूंढ रहे हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी निकाल लेता है सर। वो एक स्पाईवेयर इजराइल के लोगों ने बनाया इसको। हाँ किस लिए बना था ये? मैम वही स्पाईवेयर है, ये बहुत सारे जो नाम लोगों के लिए बनाया गया था, वही स्पाईवेयर। यस मैम, हाँ मैम, तो उसी चीज के लिए बनाई है। यस कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। यस सर, मैं ज्वाइन करने के लिए मेरे महत्वपूर्ण मैं चार कारण बताना चाहूंगा। पहला कारण है कि केवीएस अपने आप में एक 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 बड़ी संस्था है जिसका पार्ट पार्ट होना भी अपने आप में गर्व की बात है। दूसरा है कि केवीएस में बहुत ग्रोथ करने और सीखने की, वो मैं अपने आप को इसके अंदर जाकर मैं अपने आप की ग्रोथ अच्छा कर सकता हूँ। तीसरा है कि यहाँ मुझे भारत के बहुत सारे कल्चर देखने को मिलेंगे जो मेरी हॉबी भी रही है, तो ये मेरी के लिए भी अच्छा है। और चौथा है कि इसकी सैलरी भी एक अच्छी है बाकी टीचिंग प्रोफेशन में देखा जाए तो ये भी एक चौथा कारण है। नहीं बोल सकते कि चार या पांच रीजन है, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होने चाहिए।
सर केंद्रीय विद्यालय का एक बेनिफिट है कि जिनके माता पिता ट्रांसफरेबल जॉब है, मान लीजिए उनका किसी बीच में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सेप्टेम्बर सेशन के बीच में हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय का रहता है कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जाकर वो एडमिशन ले सकते हैं सर आराम से। जब भी सेशन के बीच में अगर उनके माता पिता का ट्रांसफर हो गया एक शहर से दूसरे शहर, तो आराम से जाके उनका एडमिशन हो जाता है सर केंद्रीय विद्यालय में। इसमें कुछ मैं और ऐड कर सकती हूँ, yes, जो केंद्रीय विद्यालय है ये भारत से बाहर भी इनकी शाखाएं हैं, तो अगर आपका लक हुआ तो आपको वहां जाने का भी चांस मिल सकता है और वहां भी जॉब करने का अवसर मतलब मिल सकता है, तो इसलिए ये हो सकता है कि हमको भारत से बाहर जाने का भी मौका मिल जाए एक शिक्षक के रूप में। सेल्फिश हो गए आप मैम, इसमें ये आंसर कैसे हो सकता है कि आप तो अपने पैसों पे भी जा सकते हो बाहर, आप अपनी स्टेट में जॉब कीजिए। एज ए टीचर मैंने बोला था कि शिक्षक के रूप में मुझे बाहर जाने के बाद बोल रही है मैम, ये ज्वाइनिंग के बाद बोल रही है मैम ये, मैंने कहा ना कि शिक्षक के तौर पर मुझे बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है, आपने पूरा सुना नहीं है। अपनी स्टेट में जॉब करो, पैसे कमाओ, जाओ घूमने के लिए, ऐसे क्यों जा रहे हो, क्योंकि इसके खर्चे भी जाओगे क्या? नहीं तो मैम वो आ जाने के लिए भी सिलेक्शन होगा, बाद में अदर प्रोसेस है इसके लिए, ऐसे नहीं जाते, वहाँ पर भी आपको मतलब अपनी स्किल्स प्रूव करनी पड़ती है, वहाँ पे भी अगर आप अपनी टीवीएस का हिस्सा रहोगे तभी तो स्किल प्रूव नहीं जा सकते वहाँ से के लिए, अदर से दोबारा से प्रोसेस होगा मैम। स्किल से मुझे कुछ नहीं आता है, शिक्षण की कितनी स्किल होती है, कितने कौशल होती है, बहुत सारी मैं काउंटिंग बताइए टोटल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, और भी बहुत सारे इसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। काउंटिंग बताइए मैम, काउंटिंग काउंटिंग मैम टोटल 12 होते हैं। कैसे कौन कौन से मैं से प्रॉपर सारे नहीं याद है, जैसे कि आपने बोला प्रस्तावना कौशल, विज्ञान कौशल और श्यामपट कौशल, श्यामपट कौशल रश्मि मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको कल को कोई हाईएस्ट पोस्ट मिलती है या कुछ अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती है तो आप केवीएस को छोड़ दोगे? मैम एक्चुअली मेरा वैसे तो अभी केवीएस के लिए नहीं है, मेरा दूसरे एग्जाम के लिए एंड बट आप फिर भी ट्राई अप करो कि सर अगर मेरा मेन अगर मुझे सर मैच भी करता है जहां पर आप जा रहे हो ना इंटरव्यू इनका जो है सेक्रेटरी जी सर, आंसर देना चाहूंगी। हाँ मैम मेरा तो आंसर ही मैं इसका सर जी मैम आप बोलिए मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। मैम केवीएस में भी हमें अच्छी सैलरी मिल रही है, बाकी स्किल्स भी इम्प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये तो नहीं है कि अगर दूसरी जगह पे हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं बस एक पैसे के लिए हम इतनी अच्छी जॉब छोड़ देंगे, पैसा सब कुछ KVS, होता है, KVS भी आगे बढ़ने का मौका देता है, तो मैं अपने संगठन में आगे बढ़ना चाहूंगी। केवीएस भी हमें यस मैम यहाँ पर भी हमें प्रमोशन के मौके मिल रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए आप अपनी प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी जॉब से? नहीं मैम मैम मैं अभी एजुकेशन में हूँ मैम, मैं को मतलब मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से, लेकिन मैम आई वांट टू डू टू एनहांस माय स्किल मोर एंड मैम सेकेंडली मैम इट्स अ प्राइवेट जॉब, सो अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और कुछ अपने देश के लिए कुछ करने का मिलेगा तो मैम ये मेरा एक सौभाग्य होगा बिकॉज मैं एक नेशनलिस्ट हूँ मैम। प्रीवियस जॉब को छोड़कर अब आ सकते हैं, तो यहाँ वाली जॉब को छोड़कर भी तो आगे जा सकते हैं मैम, अभी तो मुझे अगर ये जॉब मिलेगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा जो अभी प्रेजेंट में जो जॉब मिलेगी मैम, प्रीवियस जो जॉब थी मैम मैं वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन ये है कि मैम ये वाली जॉब अगर है तो मेरे लिए और भी एक मेरे स्किल के लिए मेरे करियर के लिए बेटरमेंट है। एक चीज आपका मतलब ठीक करना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा प्राइवेट जॉब सरकारी में आऊंगी और अपने देश के लिए करूंगी, यहाँ हो सकता है कि हम प्राइवेट से भी जो हमारे मतलब हम व्यापार करके और चीजें करके भी हम देश का अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं। yes, इस चीज को ना ऐड करिएगा, तो ये जैसे कंपटीशन हो जाए हाँ इसको ना ऐड करिएगा, ठीक है मैम दोनों अपने क्योंकि देश सेवा वहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है, वहाँ भी हो रही है जी मैम।
ठीक है मैम, थैंक यू। सभी जगह के बच्चे आते हैं, इंटीग्रिटी है इसीलिए। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्कस्पेस में क्या डिफरेंस होता है? क्या जी मैम? सर गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्कस्पेस में मैम? सर गूगल का अपना अलग प्लेटफॉर्म होता है वर्क करने का सर, और माइक्रोसॉफ्ट होता है उसका अपना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं दोनों का फ्रेमवर्क अलग है। जैसे गूगल है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हम अलग होता है पूरा, उसकी जो लैंग्वेज वो यूज करता है, कोडिंग यूज करता है वो डिफरेंट होता है। और माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो मेनली सर उसी पे लैंग्वेज पे वर्क करता है। और गूगल सर एक तरह से सर्च इंजन है सर, आपने कुछ भी टाइप किया वो पूरा आपको सारा उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेके ढूंढ के ले गया किसी भी फील्ड में होगी। और माइक्रोसॉफ्ट सर बिंग है ना माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन, लेकिन हम बोल सकते हैं सर गूगल का सर्च इंजन ज्यादा हम बोल सकते हैं फेमस है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट, तो ये हम बोल सकते हैं सर। बाकी सर दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि वो उनका गूगल का प्लेटफॉर्म अलग है सर, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। आज भी कोई नई कंपनी अगर अपना बनाती है तो उसका प्लेटफॉर्म हो सकता है सर डिफरेंट हो इन दोनों से। अभी जैसे चैट जीपीटी है तो इनका प्लेटफॉर्म और अलग है, आजकल की टेक्नोलॉजी और पूरा एआई पे जाती जा रही है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, तो इस पे सर हमारा मेन अब फोकस होने लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। सर अगर स्टूडेंट आ रहा है उसके मम्मी पापा अनपढ़ है और घर पर होमवर्क नहीं करा सकते, तो आप वो क्या करेंगे कि वो अपना होमवर्क करके आए? उसको क्लास में ही पूरा क्लियर कर देते, वर्क करना कैसे उसको सब कुछ समझाएगा प्रॉपर तरीके से, हो सके तो उसको प्रॉपर एक थोड़ा सा मिनट्स का टाइम स्पेशल दिया जाए कि बेटा वर्क इस तरह से करना है। और तो ये भी प्रोवाइड किया जाए कि बेटा आपको एनी टाइम कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे उसको कुछ सांत्वना ही देंगे ना, इससे ही वो कर लेगा कि आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो, तो इससे वो कर लेगा। एक मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं हम उनको देते हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर वन नंबर टू, तो किस बिहाफ पे हम केंद्रीय विद्यालय को ये देते हैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री? एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग हो, सर्विसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग सर, जिस जो सबसे पहले आएगा उसको नंबर वन, फिर उसके बाद जो स्थापित हुआ उसके नंबर टू। चलिए इट्स लास्ट वन मिनट और आई एम गिविंग चांस टू विजय। विजय मैम आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप कुछ बताना चाहे तो बताएं, 40 सेकंड्स रह गए हैं, ठीक है, कुछ भी लाइंस आप बोलना चाहें, यू आर रेडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर एक है जल्दी, तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, मिले चल पड़ेंगे जिस कदम, ये लाइन मैं भूल रही हूँ। बहुत बढ़िया बताया आपने, जितना बोला बहुत अच्छा पड़े। हाँ चल पर, हाँ सर अगर आप पहले बता तो मैं प्रिपेयर कर ली होती। नो प्रॉब्लम मैडम, आप कल कर लाना प्रिपेयर, देयर इज नो वरी। अच्छा बोल, हम सब ने जोश आ गया आपसे बात सुनकर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए इन लाइंस।